सबसे पहले हमें पेंसिल से पीकॉक बनाना है। अब ब्लैक स्केच पेन से किए हुए ड्राइंग को अच्छी तरह आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन करते समय हमने जहाँ पर ड्रॉ किया है उसी जगह पर आउटलाइन अच्छे से करनी है। आउटलाइन में फिनिशिंग होना जरूरी है। अब शेडिंग करते समय हर कलर को अच्छे से मिक्स करना है। जहाँ जहाँ शेडिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अलग अलग कलर से उसे अच्छे से ग्रेडेशन देना है, जिससे पीकॉक में डायमेंशन क्रिएट होगा।
पीकॉक के फेदर्स का इफेक्ट देते समय अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स देने हैं, जिससे जो फेदर्स के स्ट्रोक्स हैं, फेदर्स की लाइन्स है, धागे हैं, वो अच्छी तरह वहाँ पर दिखाई दे सके। इसके लिए जो ऑयल पेस्टल है उसका जो कॉर्नर पार्ट होता है उसे हमें अच्छी तरीके से इसलिए यूज़ कर सकते हैं। एक साइड यूज़ होने के बाद दूसरी साइड से भी उसे घुमाते रहेंगे तो पॉइंट्स हमें हर बार मिलते रहेंगे। जहाँ आपको कलर्स मिक्स करने की इच्छा है वहाँ पर आप हाथ की उंगली से या कॉटन से, टिश्यू पेपर से भी ये कलर्स एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से ऑयल पेस्टल से पीकॉक को शेडिंग के साथ कलर कर सकते हैं।